तो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे द्वारा चैनल बॉटनी एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए क्वेश्चन पेपर हुआ था ईयर 2021 में, उसका सॉल्व इशू। इसमें 150 क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म हर्टिगनेट इज एसोसिएटेड विद माइकोराइजा। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ माइकोराइजा। निम्नलिखित में से कौन सा माइकोराइजा की भूमिका नहीं है। माइकोराइजा एक एसोसिएशन होता है फंगस का रूट्स के साथ, तो ये कौन सी भूमिका में नहीं होता। मृदा में खनिजों की घुलनशीलता में वृद्धि करता है, ये कुछ पादपों में रोगजनित जीवाणुओं से रक्षा करता है, फॉस्फोरस उद्गरण में मदद करता है, लेकिन ये पादप के कायिक प्रवर्धन में सहायक नहीं होता है। तो आंसर इज फोर्थ। शैवाग के अधिकांश माइक्रोबायोन्स होते हैं, शैवाग यानी लाइकेंस, जिसमें एल्गी और फंगस प्रेजेंट होते हैं। तो पूछा है कि फंगस किस ग्रुप का होता है, एस्कोमाइसिटीज, साइकोमाइसिटीज, ब्लूमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। तो आंसर है इसका एस्कोमाइसिटी। शैवाग के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस टू द लाइकेंस। शैवाग या लाइकेंस के संदर्भ में गलत कथन है कि बहुत से शैवालों द्वारा उत्पादित उष्णिक अम्ल एक कवक रोधी प्रकार का पदार्थ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, कॉलम फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है आपको, और इसमें दिया है कॉमन नेम्स दिए हुए हैं फंगस के, लाइक रेड मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, ग्रीन मोल्ड और पिंक मोल्ड। और दूसरी तरफ दिया है एस्परजिलस नाइगर, सरसिया मोर्सेसिस, न्यूरोस्पोरा क्रसा और पेनिसिलियम डिजिटेटम। अब आपको सही आंसर का सिलेक्शन करना है, और जो आंसर है वो है आंसर नंबर थ्री। आंसर नंबर थ्री यानी ए का थ्री, रेड मोल्ड, न्यूरोस्पोरा क्रसा, देन ब्लैक मोल्ड, एस्परजिलस नाइगर, ग्रीन मोल्ड, पेनिसिलियम डिजिटेटम और पिंक मोल्ड जो है वो हो गया आपका सर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवकों में विषम जालिकता से क्या तात्पर्य होता है। हेटेरोथेलियम इन द फंगस क्या मतलब होता है इसका। अप्राकृतिक रूप से असमान थैलस होते हैं, लैंगिक रूप से ये स्वयंबंध थैलस होते हैं जिन्हें लैंगिक जनन हेतु संयोज्य थैलस की आवश्यकता होती है, या जीवन चक्र के विभिन्न प्रकार के थैलस की उपस्थिति को कहते हैं, या प्रजनन की विभिन्न विधियों द्वारा विभिन्न प्रकार के थैलस का निर्माण होता है। तो जो हेटरोथैलेसिटी होती है फंगस की, उसकी खासियत क्या होती है कि लैंगिक रूप से स्वयंबंध थैलस जिन्हें लैंगिक जनन हेतु संयोज्य थैलस की आवश्यकता होती है, ये इस तरह के थैलस होते हैं जो दूसरे थैलस के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर ही रिप्रोडक्शन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कवक की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है, काइटिन, ज़ाइलन, म्यूरिन और क्यूटिन। कोशिका भित्ति कवक की, तो आंसर आपका है काइटिन। परालैंगिक चक्र विशिष्ट लक्षण है कई शैवालों का, कवकों का, ब्रायोफाइट्स का या टेरिडोफाइट्स का। पैरासेक्सुअल साइकिल्स किन में पाई जाती हैं, पैरासेक्सुअल साइकिल्स हमको मिलती हैं कवकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोफाइट्स में हाइड्राइड्स और लैप्टोइड्स किसके जैसे होते हैं, किसके समकक्ष होते हैं। हाइड्राथोइड्स और लेंटिल्स के समकक्ष, या राइजोइड्स और लीव्स के, या जाइलम एंड फ्लोएम के, या वेजिटेटिव स्पोर्स के। इसका करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर है जाइलम एंड फ्लोएम। लिवर बर्ड्स में एक परिपक्व कैप्सूल के सीटा का वर्गीकरण होता है। लिवर बर्ड्स यानी कि ब्रायोफाइट्स, आपको याद होगा इस तरह का ब्रायोफाइट बनाते थे, और यहाँ से एक कैप्सूल, और कैप्सूल के बाद ये फुट सीटा एंड ये कैप्सूल पोर्शन बनता है। तो ये इसने पूछा है, लिवर बर्ड्स में एक परिपक्व कैप्सूल में सीटा का निर्माण यानी कि इस पोर्शन का निर्माण कहाँ से होता है। इलोंगेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द सीटा, इलोंगेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द फुट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल इन द सीटा एंड ग्रोथ इन द
गैमेटोफिटिक प्लांट. सो द आंसर इज इलोंगेशन ऑफ द सेल ऑफ सीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंथोसेरोस को जाना जाता है. एंथोसेरोस इज ऑल्सो नोन एज स्टोनवर्ट, लिवरवर्ट, क्विलवर्ट एंड हॉर्नवर्ट. तो ये सबसे इजिएस्ट क्वेश्चन है, दिस इज हॉर्नवर्ट. आपने ऐसे एंथोसेरोस को ऐसे बनाया होगा, ये आपने पढ़ा है इस तरह से, और यहाँ एक बड़े बड़े से इस तरह के आप हॉर्न्स बनाते हैं, ठीक है. तो दिस इज हॉर्नवर्ट. निम्नलिखित ब्रायोफाइट्स को उनके बीजाणु भित्त के वर्तमान जटिलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए. पेलिया, क्यूनेरिया, रिक्सिया, एंथोसेरोस, मार्केंशिया. इसको आपको बीजाणु भित्त की यानी कि स्पोरोफाइट की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, यानी कि सबसे इजीएस्ट स्पोरोफाइट जो है आपका सबसे पहले आएगा, और सबसे कॉम्प्लेक्स जो स्पोरोफाइट है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए. तो आपका सबसे इजीएस्ट जो स्पोरोफाइट होता है दैट इज एन रिक्सिया, देन मार्केंशिया. इसी सीक्वेंस में आप क्लासेस में पढ़ते हैं, रिक्सिया, देन मार्केंशिया, उसके बाद पेलिया, देन एंथोसेरोस, और उसके बाद फ्यूनेरिया, जो कि सबसे एडवांस तरीके का ब्रायोफाइट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूडोलेटर्स आर प्रेजेंट इन रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसेरोस और पेलिया. तो ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, एंथोसेरोस में स्यूडोलेटर्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पार्ट ऑफ अ मॉस कैप्सूल व्हिच फंक्शनली रेगुलेट्स द स्पोर डिस्पर्सल इज पेरिस्टोम, ऑपरक्यूलम, डायफ्राम और कॉलुमेला. सो कॉलुमेला एक स्टराइल लेयर होती है, डायफ्राम के साइड में लगा हुआ होता है, ऑपरक्यूलम उसका माउथ होता है, एंड द पेरिस्टोम जिसमें कि दांत लगे हुए होते हैं, टीथ लगे हुए होते हैं, वो पार्ट जो है फंक्शनली स्पोर्स को लिबरेट करने में हेल्प करता है. सो द आंसर इज पेरिस्टोम. थायलॉइड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन स्फैग्नम, साल्विनिया, ड्यूमर्शिया, पॉलीट्राइकम. तो थायलॉइड प्लांट बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है ड्यूमर्शिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंस्टिट्यूट्स द लोअर ब्रायोफाइट्स. लोअर ब्रायोफाइट्स यानी जो आप इनिशियल स्टेज में ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं, मार्केंशियल, जंगरमैनियल्स, एंथोसेरोस, सिरोटेल्स और मॉसेस. तो इसका आंसर है आपका मार्केंशियल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ द नेक कैनाल सेल्स NCC इन द आर्किगोनियम ऑफ ए फर्न इज, ये आपको याद ही होना चाहिए, आंसर नंबर 1-1. निम्नलिखित में से कौन सा मुक्तप्लावी मूल विहीन फर्न है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री फ्लोटिंग रूटलेस फर्न, एजोला, स्फैग्नम, साल्विनिया और पिल्यूरिया. सो द आंसर इज साल्विनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो, लाइक पिल्यूनेरिया, स्टाइलोइटस, फ्लैटिजोमा, मैक्रोमेरिटियम, रेमिलीडियम और फाइलाइटस. आपको बताना है इन सब में से सिर्फ हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स को, जिसमें दो तरीके के स्पोर्स पाए जाते हैं, ऐसे स्पोर्स को हम हेटरोस्पोरस कहते हैं. और हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का अगर हम ग्रुप निकालें तो हमारा जो आंसर है वो होगा आंसर नंबर 4. इसमें आएगा पिल्यूलेरिया, देन स्टाइलाइटस, देन प्लेटिजोमा और उसके बाद आएगा रग्नीलीडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स में सोलेनोस्टील में पर्ण अंतरालों की अतिव्यापन के फलस्वरूप निर्मित होती है. इन टेरिडोफाइट्स द ओवरलैपिंग ऑफ द लीव गैप्स इन ए सोलेनोस्टील लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनेगा इससे, प्लेक्टोस्टील, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील या हेप्लोस्टील.
ओवरलैपिंग ऑफ लीफ गैप, इस वर्ड को आपको याद रखना है, ओवरलैपिंग ऑफ लीफ गैप्स इन सोलेनोस्टील। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3-dictyostele। नेक्स्ट, मर्लिन ग्रास या क्विलवर्ट सामान्य नाम किसका है? क्विसेटम, सिलेजिनेला, फिलेरिया और आइसॉइड्स। मर्लिन ग्रास, तो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये हम कहते हैं आइसॉइड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस टेरिडोफाइट में लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु आशय अवस्था आने तक समान रहते हैं? इन विच टेरिडोफाइट्स माइक्रो एंड मैक्रो स्पोरेंजिया आर सिमिलर अंटिल द स्पोरोसिस्ट स्टेज, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, सिलेजिनेला और मार्सीलिया। तो आंसर इज सिलेजिनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल ब्रायोफाइट? यहाँ आपको बहुत ध्यान से देखना है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट क्या पूछा गया है, फॉसिल ब्रायोफाइट, नाइडिएटा, जोस्टेरोफिलम, पिलोफिलम, स्पैगनम। सो द आंसर इज नाइडिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग पीरियड ऑफ द जियोग्राफिकल टाइम स्केल इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एंशियंट टू रीसेंट, पीछे से लेकर के आगे, सबसे लास्ट में सबसे रीसेंट आएगा और फर्स्ट वाला जो होगा वो सबसे एंशियंट होगा। ट्राइसिक, सिल्यूरियन, कार्बोनिफेरस, क्रस्टेशियस, जुरैसिक और कैम्बियन। तो इसको हम अरेंज करेंगे, तो देखिए ये अरेंज हो जाएगा 3। सबसे पहले आएगा आपका, सबसे पुराना जो था वो क्रस्टेशियस, इसके बाद जुरैसिक, देन ट्राइसिक, देन सिल्यूरिफेरस, देन कार्बोनिफेरस, देन सिल्यूरियन, और जो सबसे एडवांस है अभी वो है हमारा क्रैम्बियन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द जिम्नोस्पर्म कंप्राइजेस ऑफ एक्सटिंक्ट मेंबर, जिम्नोस्पर्म के एक्सटिंक्ट मेंबर का ग्रुप हमको बताना है। योर ऑप्शंस आर कॉर्डिटेल्स, साइकेडेल्स, जिंगोएल्स और नीटेल्स। सो आंसर इज कॉर्डिटेल्स, जिसके सारे ही मेंबर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी सब्जेक्ट के लिए तैयारी, और जिसके 25 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के लिए हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म द्वारा साझा किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज शेयर्ड बाई जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स? एंडोस्पर्म्स इज गैमेटोफिटिक, ओव्यूल्स आर बाइटैग्मिक, एनोमोफिलस पॉलिनेशन, या प्रेजेंस ऑफ कंपेनियन सेल। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में ही पाया जाता है? तो इनमें से कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि एंडोस्पर्म इज गैमेटोफिटिक, ओव्यूल्स आर बाइटैग्मिक, ये भी शेयर नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, देन एनिमोफिलस पॉलिनेशन और प्रेजेंस ऑफ कंपेनियन सेल्स। सो द आंसर इज एनिमोफिलस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जिम्नोस्पर्म एवं फर्न द्वारा साझा नहीं किया जाता? आपको ध्यान रखना, नहीं लिखा है यहाँ पे। सो गैमेटोफाइट्स डिपेंड्स ऑन जिम्नोस्पर्म, गैमेटोफाइट्स डिपेंड्स ऑन द स्पोरोफाइट्स, सर्सिनेट, वर्नेशन ऑफ द लीव्स, प्रेजेंस ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज, फर्टिलाइजेशन इज स्फिनोगेमस। कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो शेयर नहीं किया जा सकता? तो आंसर इज फर्टिलाइजेशन इज स्पिनोगेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिलगोजा प्राप्त होता है, चिलगोजा इज ऑब्टेंड फ्रॉम मैक्रोजामिया कम्युनिस, ओरोकेरिया ओरोकाना,
पाइनस जियार्डियाना एंड जिंको बाइलोवा. सो आंसर इज पाइनस जियार्डियाना. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग. साइकेट्स आर डायोशियस. मेल प्लांट्स ऑफ द साइकस इज मोनोपोडियल. ग्रिडल्स बंडल्स आर प्रेजेंट इन साइकस एंड साइकेट्स आर मोनोजाइलिक. आपको इसमें सिर्फ बताना है, गलत स्टेटमेंट का चयन करना है. और गलत स्टेटमेंट जो है वो है ये, मेल प्लांट्स ऑफ द साइकस इज मोनोपोडियल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, मेडन हेयर ट्री इज एडियंटम, जिंगो बाइलोवा, एफिड्रा फ्रेजिलिस और टेक्सस जुरेसिका. मेडन हेयर ट्री इज जिंगो बाइलोवा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दो एक दूसरे के सम्मुख पत्तियां जो पौधे के जीवन पर्यंत वृद्धि करती हैं युक्त विशाल शलजम के सदृश जिम्नोस्पर्म को पहचानिए. पोडोकार्पस, फिलोक्लेट्स, नीटम, वेलवेश्चे. यानी कि शलजम जैसा नीचे से होता है और जो पत्तियां हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के वृद्धि करती हैं. तो नाम क्या है? वेलवेश्चिया. नेक्स्ट इज, विश्व में सबसे लंबे वृक्ष सिकुआ सेम्पेवायरेंस किसके सदस्य हैं? एंजियोस्पर्म के, कॉर्डिटेलीज के, कॉर्निफेलीज के या टैक्सिलीज के? तो ये जो सदस्य हैं ये सदस्य हैं कॉर्निफेरल्स ग्रुप के. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द टैक्सोन गिवन बिलो इन द हायरार्किकल ऑर्डर लोअर टू हायर यूजिंग द ऑर्डर गिवन बिलो. लाइक ऑर्डर, जीनस, क्लास, फैमिली, स्पीशीज. तो हमको जाना है लोअर टू हायर की तरफ जाना है हमको. और इस तरह से अगर हम जाते हैं तो हमारा सीक्वेंस बैठता है सीक्वेंस नंबर टू, जिसमें हम स्पीशीज को सबसे पहले लेते हैं, देन उसके बाद आपका जीनस, देन फैमिली, इसके बाद ऑर्डर और उसके बाद क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजियोस्पर्म कुलों के परंपरागत एवं नए नामों के बेमेल युग्म का चयन कीजिए. सो हमको बताने हैं कि पहले इन प्लांट्स को किन नाम से, फैमिलीज को किस नाम से जाना जाता था और अब इन फैमिलीज को किस नाम से जाना जाता है. तो इन्होंने ग्रुप्स दिए हैं लाइक पेपिलियोनेटी, फैबेसी, कंपोजिटी, एस्ट्रेसी, लेबिएटी, लेमिएसी, अम्बेलीफेरी, एपीएसी. तो बाकी सारे नाम ठीक हैं लेकिन जो पेपिलियोनेटी है वो फैबेसी नहीं है. तो ये आंसर आपका बेमेल युग्म हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कुल में विषम बाह्यदल अग्रवर्ती होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है. ऑड एप्पल इज एंटीरियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली? सोलेनेसी, एस्ट्रेसी, फैबेसी या एस्क्लिपिडेसी. तो आप जानते हैं फैबेसी जो मटर का ग्रुप होता है उसमें एक बहुत बड़ा सा सेपल होता है. बाहर की तरफ और बाकी जो सेपल्स होते हैं वो छोटे होते हैं. तो ऐसे चार, तो किस कुल में विषम बाह्यदल, सेपल की बात हो रही है, एंटीरियर जो सेपल है वो बड़ा होता है, अलग तरीके का होता है. तो ये है आपका फैबेसी फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्बेरियम श्रीट का अंतर्राष्ट्रीय मानक आकार क्या होता है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. ये होता है 16x16.5x11.5 inches. ये आपको याद ही होना चाहिए हमेशा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेंथम एवं हुकर ने कुल यूफोरबियेसी को किस श्रेणी में रखा? कर्वेम्ब्रिक, डेपनेल्स, अक्ल्यूमाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुएल्स. बेंथम और हुकर ने यूफोरबियेसी फैमिली जो है उसको रखा है उन्होंने यूनिसेक्सुएल्स में. आप याद कीजिए यूफोरबियेसी फैमिली जिसमें स्पेशल टाइप का साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है यूनिसेक्सुअल्स ग्रुप में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीपेटलस एंड्रोशियम अकर्स इन, एपीपेटलस एंड्रोशियम
किन में पाए जाते हैं? एस्ट्रेसी में, यूफोर्बियसी में, एस्क्लेपिडेसी में या सोलेनेसी में। एपीपेटलस यानी पेटल से जुड़े हुए एंथर्स जो होते हैं वो किस ग्रुप, किन किन ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं? अगर हम के ग्रुप का कॉम्बिनेशन देखें तो हमारे पास होगा एस्ट्रेसी, एस्क्लेपिडेसी और सोलेनेसी। देखिए एस्ट्रेसी फैमिली है सूरजमुखी वाली, एस्क्लेपिडेसी आपका आर्क या कैलोट्रोपिस और सोलेनेसी आपका ब्रेंजल और धतूरा जिसमें हम करते हैं। तो इन सब के अंदर हमारे पास जो इनके एंथर्स होते हैं दे आर अटैच्ड विद पेटल्स। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। तो हमारा जो आंसर होगा द आंसर इज आंसर नंबर 3 ए सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान वंश नाम एवं जाति संकेत पद युक्त द्विपद क्या कहलाते हैं? बाइनोमियल्स विद आइडेंटिकल जीनस नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट्स आर नेम्ड एज ऑटोनोम्स, होमोनिम्स, टॉटोनिम्स और सिनोनिम्स। तो अगर दोनों चीजें सेम ही होती हैं तब हम इसे कहते हैं टॉटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कुकुरबिटेसी कुल के नर पुष्पों का पुष्पीय सूत्र होगा? हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर द मेल फ्लावर्स ऑफ द फैमिली कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी के किसी भी एक मेंबर को अगर हम याद रख लें तो आपको पता है कुकुरबिटेसी को जैसे ही हमने नाम लिया वैसे ही आपके दिमाग में नाम आने चाहिए उसके मेंबर्स लाइक खीरा, कद्दू, लौकी, जो भी आपने देखा हो, जो भी आपने किया हो तो वहाँ आपको याद आएगा कि जो आपके सेपल्स और पेटल्स हैं वो सारे के सारे 5 होते हैं, ये हमको याद रहता है। तो वहाँ पी वाला पेरियंथ वाली तो कोई सिचुएशन है ही नहीं, इसलिए 2 और 3 तो कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। इसके अलावा कैलिक्स कोरोला पीले पीले फ्लावर्स लगे हुए देखते हैं सारी इन चीज़ों के, तो यहाँ पर के ही सिर्फ रहे और सी ना हो ये भी नहीं हो सकता। तो 1, 2 और 3 ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते हैं। सो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। लाइक एक्टिनोमॉर्फिक होंगे, मेल फीमेल, मेल पार्ट्स के लिए पूछा है तो ओनली मेल इज आर प्रेजेंट, देन कैलिक्स 5, कोरोला 5 और एंड्रोशियम 3 या 5 में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए के कारण आर पर विचार, नीचे दिए गए गुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्यूमरियेसी पेपिवरेसी से भिन्न है, फ्यूमरेसी में आइसोक्विनोलिन उत्पाद पाए जाते हैं जो पेपिवरेसी में नहीं पाए जाते। फ्यूमरियेसी और पेपिवरेसी दोनों अलग अलग फैमिलीज हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे जो उसका कारण है वो क्या है कि फ्यूमरेसी में आइसोक्विनोलिन उत्पाद पाए जाते हैं जो कि पेपिवरेसी में नहीं पाए जाते, ठीक है। अब फ्यूमरेसी और पेपिवरेसी बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आता है 3, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये बात तो सही है। लेकिन फ्यूमरेसी में आइसोक्विनोलिन उत्पाद पाए जाते हैं जो कि पेपिवरेसी में नहीं पाए जाते, ये सही नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कास्टीय शरीर रचना का प्रगत लक्षण है? फ्रॉम द टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ द वुड एनाटॉमी इज एन एडवांस कैरेक्टर। टैक्सोनॉमी की दृष्टि से हमें वुड की एनाटॉमी का एक एडवांस कैरेक्टर कौन सा है? वेसल्स एंड वॉल विद स्केलिफॉर्मस परफोरेशन प्लेट्स, डिफ्यूज पोरस वुड या एपोट्रेकियल वुड पैरेन्काइमा या स्ट्रेटिफाइड अरेंजमेंट ऑफ द वुड कैर पैरेन्काइमा। किस कैरेक्टर को हम सबसे एडवांस लक्षण मानेंगे? सीढ़ीनुमा वाहिकाएं हो या छिद्रित कास्ट हो या अपवाहिकी कास्ट मृदूतक हो या कास्ट तत्वों का स्तरीकृत व्यवस्थापन हो। तो जो इसका आंसर है वो है कि कास्टीय तत्व जो होते हैं, जाइलम जो होता है, वुड जो होती है उसकी उसमें
स्ट्रेटिफाइड अरेंजमेंट यानी सीढ़ीनुमा जो अरेंजमेंट होता है उसको हम सबसे ज़्यादा एडवांस तरीके का लक्षण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग पॉलीपटीली की श्रेणी का नहीं है? हेटरोमेरी, डिस्कोफ्लोरी, थैलेमोफ्लोरी या कैलेसी फ्लोरी? डायरेक्ट क्वेश्चन हैं ये और आपके पास एकदम फैक्ट याद होनी चाहिए आपको। तो तीन ग्रुप उन्होंने बनाए थे, डिस्की फ्लोरी, थैलेमोफ्लोरी और कैलेसी फ्लोरी। तो कौन सा नहीं है? हेटरोमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चारित्रिक लक्षणों को उनके कॉलम से सुमेलित कीजिए। युक्त कोशीय पराकोष, स्पाइका, स्थानांतरक की उपस्थिति, एक कोष्ठीय पराकोष या अंडप, तिरछा रखा हुआ अंडप। इधर मैं बता देती हूँ आपको, लाइक सिंजेनियसियस, एंथर्स, स्पाइकलेट्स, प्रेजेंस ऑफ ट्रांसलेटर्स, मोनोथिकस एंथर या ऑब्लिकली प्लेस्ड कार्पल्स। दूसरी तरफ आपको फैमिली दी है, कुकरबिटेसी, सोलनेसी, एस्टरेसी, एस्किल्पिडेसी और पोएसी। आपका जो परफेक्ट मैच है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। हमारा जो परफेक्ट मैच है वो हमारा परफेक्ट मैच है ए। देखिए, सिंजेसियस एंथर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एस्टरेसी फैमिली में। एस्टरेसी फैमिली किसकी फैमिली है भाई? सूरजमुखी की फैमिली है एस्टरेसी फैमिली में। देन स्पाइकलेट्स, स्पाइकलेट्स जो होंगे वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं पोएसी के ग्रुप में। स्पाइकलेट एक स्पेसिफिक इनफ्लोरेसेंस होता है आप जानते हैं, जो कि ऐसे ऐसे करके बना हुआ होता है स्पाइकलेट्स। तो जो गेहूं की बालियां होती हैं पोएसी फैमिली, गेहूं को याद कर लीजिए, तो जो गेहूं की बालियां होती हैं वो इसी तरीके की बनी हुई होती हैं। तो जो स्पाइकलेट है वो पोएसी फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंस ऑफ ट्रांसलेटर्स। तो ट्रांसलेटर्स जो हैं वो प्रेजेंट होता है एस्किल्पिडेसी फैमिली में। आपने पढ़ा होगा, आर्क पढ़ाते हैं उसमें कैलोट्रॉपिस, और कैलोट्रॉपिस में ट्रांसलेटर्स पढ़ाया जाता है पॉलिनियम के साथ। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज मोनोथिकस एंथर्स। मोनोथिकस एंथर्स प्रेजेंट होते हैं कुकरबिटेसी में, खासियत होती है उसकी। और तिरछा रखा हुआ कार्पल्स जो है, ऑब्लिकली प्लेस्ड कार्पल्स जो होते हैं, ये खासियत होती है सोलेनेसी फैमिली की, धतूरे की फैमिली जो है उसमें आप तिरछा बनाते हैं कार्पल को, तो सोलेनेसी फैमिली। सो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, वलकुटीय फूल उपस्थित होते हैं, यानी कि सामान्यतया जो बंडल्स होते हैं वेस्कुलर बंडल्स वो प्रेजेंट होते हैं पिथ में, लेकिन कभी कभी जब एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कॉर्टेक्स में भी वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डायरेक्ट आंसर है आपका, ये आपको याद ही होना चाहिए, पिग्नोनिया, अकाइरेंथिस, लेप्टाडिनिया या निक्टेंथिस। तो सीधा सीधा इसका आंसर है निक्टेंथिस। यहाँ पर कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन है वहाँ पर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सही कथन का चयन कीजिए। द्विबीजपत्री जड़ों में कई अरीय संवहन पुल पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री तनों में संवहन पुल संयुक्त संपार्श्विक एवं बाह्य आधिकारक होते हैं। तनों में संवहन पुल बहुत से घेरों में व्यवस्थित होते हैं, या एक बीजपत्री तने में संवहन पुल अवर्धी प्रकार के होते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। मैनी रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन द डायकोट रूट्स। वेस्कुलर बंडल इन द डायकोट स्टेम्स आर कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड एक्सार्क। इन सब वर्ड्स का आप मीनिंग जानते होंगे ऐसा मैं समझती हूँ। इन स्टेम्स द वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन द मल्टीपल रिंग्स। द वेस्कुलर बंडल ऑफ द मोनोकॉट स्टेम्स आर द क्लोज टाइप्स। आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, आपका आंसर है आंसर नंबर 4। द वेस्कुलर बंडल ऑफ द मोनोकॉट स्टेम्स आर ऑफ क्लोज्ड टाइप। मोनोकॉट स्टेम्स आप याद कीजिए, गेहूं का तना, और उसमें क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज वहां पे किसी भी तरीके की सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है,
बाकी आप इन सारे आंसर्स को ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि ये आंसर क्यों करेक्ट है। टाइलोसिस विकसित होते हैं एपिथेम में, चालनी नलिका में, एरिल में या वाहिका में। द टाइलोसिस डेवलप्स इन एपिथेम्स, सेव सी ट्यूब्स, एरियल्स एंड वेसल्स। टाइलोसिस कब डेवलप होते हैं? टाइलोसिस डेवलप होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में, और जिसमें कि टैनिन रेजिन ये जो मटेरियल होता है ये वेसल्स के अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है और उसके अंदर समा जाते हैं। तो जो टाइलोसिस बनेंगे वो जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं वो क्या होती हैं? वेसल्स। देखिए एपिथेम पार्ट है लीव के वो टिप का जहाँ पे आप पढ़ते हैं वातरंध्रों के बारे में। देन सेव ट्यूब्स फ्लोएम का पार्ट है। एरल एक थैलस जो होता है अगर वो बड़ा हो जाता है डिफरेंट काइंड का हो जाता है फूड वॉल बना लेता है उसे हम एरल बोलते हैं। तो आंसर हमारा है वेसल्स। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका द्रव्य युक्त केंद्रक विहीन जीवित कोशिका जीवित पादप कोशिका है? ब्लास्ट कोशिका, फेलम, चालनी नलिका, सहचर कोशिका। यानी कि हमको बताना है लिविंग प्लांट सेल्स है जिसमें साइटोप्लाज्म है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। ब्लास्ट सेल, फ्लोएम, फेलम, सी ट्यूब्स या कंपेनियन सेल्स। सो आंसर इज सी ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द कॉर्क सेल इज सुवेरिन, लिग्निन, क्यूटिकल और क्यूटिन। वैक्सी सब्सटेंस के बारे में हमें बताना है जो कि वॉल्स पे प्रेजेंट होता है और ये होता है सुबेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव क्रेंच एनाटॉमी? शुगर केन, मेज, सॉर्गम एंड वीट। क्रेंच एनाटॉमी किस कौन सी होती है? जिसमें C4 प्लांट में पाई जाती है। आप जानते हैं जहाँ पर जो मीसोफिल सेल्स होती हैं उनके अंदर भी जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वहाँ पर भी मीसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो अंदर की तरफ वहाँ पर जो कार्बन फिक्सेशन होता है वो मीसोफिल सेल्स में पाए जाने वाली मालाकार कोशिकाएं होती हैं, मालाकार रूप से व्यवस्थित कोशिकाएं होती हैं, वहाँ पर C3 साइकिल चलती है। तो C4 प्लांट फिशर्स प्लांट होते हैं जिनकी इस प्रकार की जो एनाटॉमी होती है उसे हम क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं और ये किसमें प्रेजेंट नहीं होती हमें ये बताना है। शुगर केन, मेज, सॉर्गम, वीट। तो इसका आंसर होगा वीट, क्योंकि सामान्यतः C4 प्लांट जो होते हैं वो प्लांट्स वे होते हैं जो कि पाए जाते हैं ऐसे स्थानों पर जहाँ रंध्र बहुत ज़्यादा खुले हुए नहीं रह सकते क्योंकि रंध्र खुलने से वहाँ पे पानी उड़ जाएगा। तो रंध्र बहुत कम समय के लिए खुलते हैं इसलिए पौधे में विशेष व्यवस्था होती है कि रंध्र जब खुलते हैं तभी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले ली जाती है और उसको डिपॉजिट करके रख लिया जाता है और रात में अंदर जहाँ C3 साइकिल जो है वो वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट मीसोफिल सेल्स के अंदर C3 साइकिल को चलाया जाता है। तो वीट जो है उसके अंदर क्रेंज एनाटॉमी प्रेजेंट नहीं होती है।